सीधे रुख कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के संकेत। जी हां, ये संकेत दिए गए हैं। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से इस पर राय भी मांगी है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में इस पर चर्चा भी होगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस सीईसी की बैठक में फिर से चर्चा होगी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर राय भी मांगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज जब बैठक होगी उसके बाद इस मुद्दे को लेकर फिर से चर्चा होगी। आज कांग्रेस सीईसी की बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे, उसके बाद हो सकता है ये तय हो कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। एक और अहम खबर आपको बता दें, हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक, 6 से 7 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको यह बता दें कि आज जो बैठक चल रही है, मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। करीब 6 से 7 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय है। वहीं हमारे सहयोगी ऋषिकेश सीधे हरियाणा से ही लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर होता है हरियाणा में, आज संकेत दिए जा रहे हैं, क्या पता आज की बैठक में मुहर भी लग जाए, क्या लगता है आपको कि इससे किस दिशा में जाएगी हरियाणा विधानसभा चुनाव की राजनीति? देखिए, हम आपको ये बता दें कि आखिर ये बात क्यों उठी कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है। दरअसल कल सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने सभी नेताओं की मौजूदगी में पूछा कि क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका तजुर्बा इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने में उन्हें फायदा दिखा है। जिस पे वहाँ खुद मौजूद थे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि उनकी जो डिमांड है वो कहीं ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन उनका क्लेम 2 या 3 सीट, मैक्सिमम 4 सीट पर बनता है, वो भी कुरुक्षेत्र से, चूंकि एक आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई थी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, और वहाँ 2 कुरुक्षेत्र लोकसभा के तहत जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी, और 2 कैथल जिला की जो विधानसभा की सीट थी उसमें बढ़त मिली थी। तो कुल मिलाकर 4 औपचारिक तौर पर जिसपे आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी, उन जगहों पर उनका क्लेम बन सकता है। अगर पार्टी चाहे तो इस पर निर्णय लिया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि आप इस पर फिर से होमवर्क करके आइए और बताइए कि उन 4 सीटों पर क्या नुकसान हो सकता है उनके अलग लड़ने से या नहीं हो सकता है। लेकिन अब इस बात की संभावना कम है कि आखिरी वक्त में जब 5 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, बहुत सारे कैंडिडेट जो वहाँ लगातार बीते 2 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, आखिरी वक्त में उनको ये कहना कि आपकी सीट आम आदमी पार्टी में चली जाएगी, तो फिर ये पार्टी को खतरा है कि बाद में वो निर्दलीय उम्मीदवारी उतारेंगे और मजबूत होंगे तो वो जीत कर जाएंगे, और फिर जब नंबर गेम शुरू होगा 45 सीटों का तो उसमें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक वजह है। दूसरी, जो आज शाम 6 बजे की बैठक है चुनाव समिति की, उसमें 22 विधायकों का, खुद बावरिया जो दीपक बावरिया प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि विधायकों का सीटिंग तय हो गया है। बहुत तकरीबन 3 या 4 पहले जो 44 नाम चर्चा में हुए हैं उसमें लगभग उनके टिकट काट दिए गए हैं, उनको पार्टी ने दोबारा उम्मीदवारी न देने का फैसला लिया है। 3 या 4 सीट और है जो आज शाम में, शाम 6 बजे बैठक होगी, दूसरी बैठक होगी चुनाव समिति की, उसमें अहम चर्चा होगी। जानकारी दिया जा रहा है कि 6 से 7 सिटिंग विधायक के टिकट कटेंगे। कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी पहले ही बीजेपी में चले गए हैं, तो वहाँ पार्टी नए तरीके से नए चेहरों पर आजमाएगी। तो बिल्कुल ऋषिकेश, आपको रोकना चाहूंगी, जैसे आपने कहा नए चेहरों पर पार्टी, इस बार 9 सीटें कटेंगी। ऋषिकेश, आपने कहा कि पार्टी हो सकता है इस बार नए चेहरों को भी आजमाएगी, तो क्या विनेश फोगाट की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब स्टैंड लेगी, शामिल करेगी, क्योंकि कई बार ये देखिए अटकलें लगाई जा रही थी, क्या लगता है आपको, क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी से कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब वो ओलंपिक से घर आई और उस इलाके में जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तो उनके अपने गांव बलाली या जो जहां पे जिस क्षेत्र में वो रहती हैं, चरखी दादरी उसके बगल की सीट है, तो उसमें लोगों का कहना है कि अभी विनेश फोगाट को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और इस बात की संभावना कम है कि विनेश फोगाट
चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस विधानसभा में वो आती है वहां से नैना चौटाला पिछली बार जेजेपी से चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंची थी, तो इस बार उस बात की गुंजाइश न के बराबर है। जी जी। हाँ, बजरंग पुनिया को लेकर जरूर है कि विनेश पवार का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ हो सकता है ऐसे फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।